निकम्मे, सो रहा है या जाग रहा है? एग्जाम तेरी होती है और जागना हमें पड़ता है। जब से तू पैदा हुआ है तब से हम जाग ही रहे हैं। अरे बाबू, ए पढ़ रहा है या खर्राटे मार रहा है? पढ़ रहा हूँ पापा। हाँ, स्टूडेंट हो तो तेरे जैसा। सोच रहे हैं कि ये हैंडसम लड़का इतनी गालियां क्यों खा रहा है? सितंबर है ना, मार्च का पाप सितंबर में धो रहा हूँ। बेटा, तेरा पेपर टॉम एंड जेरी लिखने नहीं आने वाले, पढ़ाई कर ले। टॉम एंड जेरी के बुलडॉग की तरह पीछे पड़े हो, रिमोट दो। बेटा, ये जूस पीते पीते कम से कम थोड़ी पढ़ाई कर ले। अरे ये पैर गुड नाइट बोलने से पहले सो गया। ला, मैं जगा देता हूँ बेटा। वैसे भी तुझे पढ़ाई पैर से नहीं करनी, थोड़ा दिमाग लगा ले। बेटा, ये अदरक वाली चाय पी ले बेटा, उसके बाद पढ़ना। मेरा अच्छा बच्चा, पी ले बेटा। टॉम जेरी को पकड़ने वाला था, रिमोट दो। अरे सुन तो, तब जो एटीट्यूड दिखाया था उसकी सजा अब मिल रही है। पूरी रात बैठकर किताबें घिस रहा हूँ। अगर कोई लड़की सुबह 4 बजे तक पढ़ाई कर रही है मतलब मार्च का महीना है, लेकिन अगर कोई लड़का सुबह 4 बजे तक पढ़ाई कर रहा है मतलब पक्का सितंबर है। The relationship between March and September is equal to the... बेटा, पापा के पैर छूकर जाना। Cut to March. रुक बेटा, बप्पा के दर्शन कर ले। हाँ? सुन बेटा, पहले पापा के दर्शन कर ले, उसके बाद घर से जाना। पापा। सुन, पापा के सामने झूठी शान दिखाएगा? मार्च में लात पड़ी तो सितंबर में गिरा। इनसे कोई बच पाया है? जा आशीर्वाद ले। मेरी शान चबाया हुआ पान लगता है तो इनके आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा। अगर हाथ जोड़ने से मैं पास या फेल होने वाला हूँ तो मैं खुद पढ़ाई करके पास होऊंगा। हाथ जोड़ के चीजें देने वाले भगवान के सामने मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। 4 साल एक साथ पढ़ने पर भी कई स्टूडेंट्स आपके दोस्त नहीं बनते, पर जब आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देने जाते हो तो हर स्टूडेंट आपका लंगोटिया यार होता है। लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी की तरह सारे अनवांटेड लोग यहीं मिल जाते हैं, पर ऐसे में अगर लड़की दिख जाए तो दिल में घंटी बजने लगती है। जिस किसी का भी कॉपी करके एग्जाम पास करने का ख्याल हो वो यहाँ से अभी चला जाए। अगर कॉपी करने वाले स्टूडेंट्स को पकड़ने का आपका ख्याल है तो आप भी चले जाइए। ये कौन बोला? तो तुम पास होने के लिए कॉपी करोगे? इसमें गलत क्या है? चीटिंग करना गलत नहीं है। आप क्लास में बुक खोलकर पढ़ा सकते हैं, हम छोटी सी चिट खोलकर लिख नहीं सकते। जी, मेरी किस्मत खराब थी जो मैं ऐसे गधों का सुपरविजन करने आ गया। ओ सर जी, इतना भड़कते क्यों हैं? यहाँ बैठे हर स्टूडेंट ने पर पेपर 1500 रुपए की फीस भरी है, तब जाके आपको अपने पैसे मिले हैं। घूरना बंद कीजिए, पेपर बांटिए। नहीं दोगे? दे दो ना। तुम फिर से? जहाँ आप वहाँ मैं। सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट, 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 सप्लीमेंट। तुमने 35 सप्लीमेंट्स लिए, आज पेपर बहुत अच्छा गया क्या? किसको पता, एक पेज पर एक आंसर लिखा है ताकि तरस खा के मुझे इंजीनियर बना ही दे। इंजीनियर तो बनकर रहूंगा। इसे एक बार कॉपी करते हुए पकड़ लो, फिर 3 साल के लिए सस्पेंड करवा दूंगा। ये क्या है? क्या ये चिट? करो कॉपी, करो करो करो। सर, ये तो गलत है। आज इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पेपर है, कंप्यूटर साइंस की चिट बना के लाया है, यूज़लेस फेलो। सर थैंक यू, आपने शुरुआत में ही बता दिया। पेपर में कुछ बकवास लिखता और फिर से एग्जाम देना पड़ता। सर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कब है? ड्राइंग एग्जाम में भी तुम फेल हो गए? ये उससे पूछे जिसने पेपर चेक किया था। ऐसा लगता है कि मेरा आर्ट उन्हें समझ में ही नहीं आता। शायद पेपर चेक करवाने वाला अपनी बेटी से शादी करवाना चाहता है मेरी। मॉर्निंग सर, रुकिए ना, साथ में चलते हैं। गुड मॉर्निंग। बार बार एक ही एग्जाम देने में तुम्हें शर्म नहीं आती? बार बार एक ही एग्जाम सुपरवाइज करके आप बोर नहीं होते?
इतनी बकबक करने से अच्छा थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? इतने सवाल पूछने से अच्छा एक घंटा आँख क्यों नहीं बंद करते? पास हो जाऊंगा। जान गई तो भी तुम्हें कॉपी करने नहीं दूंगा, जाओ। लिखते क्यों नहीं हो? अब तक जितने पेपर दिए उनमें पास हो जाऊंगा, इसके लिए फिर से आपसे मिलना पड़ेगा। फिर से? तो बाकियों में पास हो जाओगे? लो और छापना शुरू करो। एक घंटे के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। सर पक्का ना? हाँ पक्का। इससे मेरी इमेज पर कलंक लगता है तो लगे मेरी नौकरी जाती है तो जाए, पर तुम्हें दोबारा इस कॉलेज में नहीं देखना चाहता। चुप करके पेपर लिखो और यहां से दफा हो जाओ। कॉलेज में क्या मेरी लाइफ में भी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तथास्तु। सर आपके बेटे ने भेजा है मुझे, कहा है कि आपको म्यूनसिपल ऑफिस लेके जाओ। ये ऑटो वाला दूध वाली चाय पीकर आ गया और मुझे अब तक काली भी नहीं मिली। टिफिन तक पैक नहीं किया तुमने। 20 साल हो गए नौकरी करते करते पर तुम अभी तक रूटीन नहीं बना पाई। बीवियां ऐसी होती है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर की हो या ऑफिसर की। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? हमारी मियां बीवी की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। अरे मेरी चाय तैयार हुई? हाँ तैयार है, ला रही हूँ। और टिफिन का क्या हुआ? वो भी तैयार है। तो कल लाओगी क्या? ऑफिस का टाइम हो गया है, जाओ ऑटो में बैठो। तेरी गर्दन में मोच क्यों आ रही है? मतलब ऑफिस में आप तू मीटर डाउन कर, शाम को मिलती हूँ। ओके शाम को मिलूंगी बेटा। माँ मैं इंजीनियर बन गया। जोक अच्छा था, अपने पापा को सुना। अरे मैं सच में इंजीनियर बन गया माँ। हाँ हाँ बेटा तू इंजीनियरिंग के एग्जाम में सच में पास हो गया? हाँ, यानी तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ? अब आगे क्या? पढ़ाई खत्म करने के बाद एक ऐसा सवाल आता है जो आपकी खुशियों का विसर्जन कर देता है, आगे क्या? तो सोच ले बेटा, शाम को आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? बाय। ऑटो वाले भैया मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। क्या बात है, सुना तुम इंजीनियर बन गए, अब आगे क्या करना है? समझ गया। बाय बेटा। इंजीनियर बन के गलती तो नहीं कर दी? दिमाग खोलने के लिए सुट्टा मारना पड़ेगा। बाप पे गया है। अरे बैठते बैठते याद आया तू इंजीनियर बन गया। पहले अपना काम खत्म करो। चलो अच्छा है तू इंजीनियर तो बन गया, पर अब नेक्स्ट क्या? यहाँ पानी का वाल्व है, उसे बंद करने वाला हूँ। पानी बंद मत करना, मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं लिया। अरे अभी तो इंजीनियर बना हूँ, आगे क्या करूँ? पानी का फवारा खोल, खाद निकल चुकी है। अब आगे क्या करना है आप ही सोच लो। पीछे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब आगे की सोचूंगा। इंजीनियर बनते ही नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो हटेगी ना। बाबू पेपर आ गया। हीरो ए पेपर की डिलीवरी इधर कर। इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया? हाँ इंजीनियर बन गया। तो आगे क्या करेगा? अभी बताता हूँ तुझे। अबे तू रुक रुक, आगे की बताता हूँ। अबे रुक, सुन के तो जा, आगे क्या करने वाला हूँ? सबको आगे की पड़ी है। धक्का ही तो लगा है, खून थोड़ी ना कर दिया मैंने। थप्पड़ी मारा था ना, खून थोड़ी किया है। ओए सॉफ्टवेयर, तेरी लाइफ सेट है। महीने की 1 लाख सैलरी मिलती है, बीवी आएगी तो वो भी कमाएगी, शादी में तेरा खानदान दहेज अंदर करेगा, बल्ले बल्ले तू करेगा तो मैं क्या बैंड बजाऊंगा? पीने के लिए पैसे नहीं है, घुमाने के लिए कोई लड़की नहीं है। महीने में 1 लाख रुपया पगार मिलना मुश्किल है, लड़की तो मिली जाती है घुमाने के लिए। कहाँ है लड़कियाँ? ऐसी लड़की कहाँ है जो बैंक बैलेंस की इंक्वायरी ना करे? अच्छे दिल वाले लड़कों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। मोटा वॉलेट हो तभी प्यार मिलता है बॉस। ऐसी लड़की देखता हूँ तो चाटा लगाने का मन करता है। अरे ऐसी लड़की कहाँ है जिसका दिल खूबसूरत हो, उसका चाटा गाल पे पड़े तो। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा,
लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता हूं, पर साथ ही इसे वाइड एंगल में भी देखना चाहता हूं। शर्ट, आधी रात को गंदे गंदे मैसेज और कॉल करते हो। तुम्हें लगा तुम ऐसी हरकत करोगे और हम कुछ नहीं कहेंगे? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? किस टाइप के लड़के हो तुम? दिन में गुंडागर्दी करते हो और रात में लड़कीबाजी करते हो। बहुत बड़े गुंडे हो क्या तुम? तुम्हें लगता है चार लड़कों की पिटाई कर तुम हमें भी डरा लोगे? फिर से वाइड एंगल में जाना पड़ेगा। क्या लड़की है, ऐसे ही डरना चाहिए था तुम्हें। आज के बाद अगर तुमने गंदे गंदे मैसेजेस भेजे ना तो दिन दहाड़े रोड पर दोबारा मारूंगी तुम्हें। तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। मुझसे गलती हुई है? हाँ मुझसे गलती हुई है। गलती मुझसे नहीं तुमसे हुई है। अब मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। कीर्ति चुप कर तू। अब तुम घूर क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। ये वो नहीं है, वो वहाँ है। ये है वो। क्या मजा आ गया था। आधी रात को गंदे गंदे मैसेजेस और कॉल करता है। सॉरी, इससे चिपकाना था तुम्हें चिपका दिया। तुम जरा साइड हटना। थैंक्स यार। थैंक यू। पर इसे तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो? इसी की वजह से तुमने मेरी लाइफ में एंट्री मारी है। मैं भी एक चिपका दूं? क्या भाई, पहले इसने चिपकाया, अब तू चिपका रहा है। प्यार का यही तो जादू है, गर्लफ्रेंड जिस पर भड़के उसकी धुलाई करनी पड़ती है। हे, ये प्यार कब हुआ? बताना ही भूल गया, तुमने मारा और मुझे प्यार हो गया। एक चांटा क्या खाया, मुझसे प्यार हो गया? प्यार करने के लिए अच्छी वजह नहीं है, तुम्हें कोई और वजह बतानी होगी। तुम वजह बताओ कि मुझे प्यार क्यों नहीं हो सकता। रात को एक लड़के ने तुम्हें ऐसे वैसे मैसेज कर दिया तो तुम यहाँ आ गई उसे चांटा लगाने के लिए। इससे पता चलता है तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग है। कैरेक्टर तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ में फिगर भी जबरदस्त है। किसी लड़की पर फुल टू फ्लैट होने के लिए ये वजह कम है क्या? बस प्यार हो गया। गलती तुम्हारी नहीं, गलती इसकी है, इसकी वजह से तुम गले पड़े। अच्छा आओ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को नहीं जानता, तुम्हें क्या खाक जानूंगा। देखो मेरी जान, तुमने मुझे चाटा मार के दिल को डिस्टर्ब किया है। मुझे तो प्यार हो गया, तुम कब करोगी? जिंदगी भर नहीं, क्योंकि मेरा दिल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मैं डिस्टर्ब कर दूंगा। सबने पूछ के परेशान किया है कि आगे क्या, आगे क्या, आगे तुम हो। डिस्टर्ब करूंगा जब तक प्यार नहीं होता। बस इंतजार करो, तुम मेरी बनोगी।